अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर ज़ाहिदा परवीन, पीएचडी स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ स्पेशल एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर माल कैंपस लाहौर। दिस इज़ द कोर्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, and this course is from MA Special Education with an area of specialization of hearing impairment, and this is the 3 credit hours course with a course code A of SPED 4133, and the title of today's lesson is Guided Discovery Method. We will discuss guided discovery in detail and its benefits and disadvantages. So now we will talk about guided discovery. Evidence suggests that if the goal is to foster deep conceptual understanding of mathematics, students must be provided with opportunities to develop their own ideas of underlying concepts through exploration. सो रिसर्च हमें ये सजेस्ट करती है कि थ्रू एक्सप्लोरेशन स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड टू एक्सप्लोर द थिंग्स एंड देयर वी शुड प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटीज सो दैट दे कैन एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ एंड दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थिंकिंग एंड देयर ओन कॉन्सेप्ट्स। मोर ओवर रिसर्च रिवील्स दैट अ रीजनेबल डिग्री ऑफ गाइडेंस इज ऑफन मोर इफेक्टिव देन लो गाइडेंस। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया अबाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और एक्सपोजिटरी इंस्ट्रक्शंस, इन कॉन्ट्रेरी टू दैट जब हम बात करते हैं गाइडेड डिस्कवरी की, तो रिसर्च हमें ये सजेस्ट करती है कि जो गाइडेंस के साथ जब आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, दैट इज़ मोर इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू दोज इंस्ट्रक्शंस विच आर वेरी लो गाइडेड। तो गाइडेंस के साथ हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए इंस्ट्रक्शंस ताकि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। Guided discovery is an approach to inquiry-based learning that values both student exploration and direct teaching. The overarching goal of this approach is to foster collaboration and thoughtful interactions with mathematical concepts. So, जो guided discovery होती है वो एक ऐसी approach है जो inquiry-based learning के ऊपर base करती है, और ये basically the combination है direct teaching का और exploration का, because इसमें students जो हैं वो explore भी कर रहे होते हैं और plus उनको teacher guidance भी मौजूद होती है in the form of direct teaching। तो जब ये इन दोनों का combination होता है तो that is called as guided discovery, और the term guided discovery refers to a teaching and learning environment where students are actively participating in discovering knowledge. So basically the guided discovery ka jo goal hai, that is discovery of knowledge with the help of direct teaching and exploration by the students, direct teaching by the teacher and exploration by the students. So guided discovery jo hai wo iski term jo hai uski meanings bhi yahi show kar rahe hain that the students are supposed to discover new things, new topics, new concepts with the provided guidance by the teacher. तो जब गाइडेंस टीचर्स की जो होती है उसको फॉलो करते हुए बच्चे डिस्कवर करते हैं अपने न्यू नॉलेज को, तो दैट फॉर्म ऑफ टीचिंग मेथड इज कॉल्ड एज गाइडेड डिस्कवरी। इट इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रक्शनल अप्रोच दैट गाइड्स एंड मोटिवेट्स लर्नर्स टू एक्सप्लोर इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज, आइडेंटिफाई न्यू रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट न्यू मॉडल्स ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर। क्योंकि इसमें एक्सप्लोरेशन का फेज़ बहुत स्ट्रांग होता है और स्टूडेंट्स को गाइडेंस के साथ एक्सप्लोर करवाई जाती हैं चीज़ें, सो इसकी वजह से जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और एक्सप्लोर करने, इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने के लिए उनकी मोटिवेशन बहुत जो है वो हाई होती है। और उसके अलावा जो है ये मोटिवेशन तो इनकी हाई होती है, और इसके साथ साथ जो है वो इनका बेसिक पर्पज़ जो है वो कॉन्सेप्ट्स को इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज़ यानी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये जो है बेस करता है ये अप्रोच, क्योंकि इसमें जो न्यू आइडियाज़ होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टूडेंट्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिस्कवरी।
एंड आइडेंटिफाई न्यू रिलेशनशिप्स. जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट्स एंड क्रिएट न्यू मॉडल्स ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर. और क्योंकि जब वो वंस दे आर एबल टू कंस्ट्रक्ट देयर न्यू आइडियाज़ एंड देन दे आर एबल टू आइडेंटिफाई न्यू रिलेशनशिप्स देन डेफिनेटली दो स्टूडेंट्स आर एबल टू डिवेलप देयर ओन थिंकिंग एंड देयर विल बी अ ग्रेट चेंज इन देयर ओन बिहेवियर. Here are some features of guided discovery, and these are: the teacher must guide the students toward the discovery. The teacher must guide the students towards the discovery. यानी ऐसे नहीं हो सकता कि टीचर जो है वो ब्लाइंडली किसी चीज़ को डिज़ाइन करके और बच्चों को डिस्कवर करने के लिए उसके अंदर अकेला छोड़ दे, बल्कि टीचर की प्रॉपर गाइडेंस और गाइडलाइंस होनी चाहिए. ऐसे पॉइंट्स टीचर को शेयर करने चाहिए बिफोर डिस्कवरी जो है वो बच्चों को गाइड करना है और ट्रेंड करना है कि उन्हें किस तरह से डिस्कवर करना है न्यू कॉन्सेप्ट को. सो टीचर की गाइडेंस के बगैर जो है वो गाइडेड डिस्कवरी नहीं हो सकती. प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट मटीरियल्स, ये भी टीचर के पार्ट पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अप्रोप्रिएट मटीरियल्स बच्चों को प्रोवाइड करे फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कवरी. अप्रोप्रिएटनेस जो है मटीरियल्स की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप गाइडेड डिस्कवरी को फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल्स जब आप बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं तो वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए उस टॉपिक के साथ जो आप पढ़ा रहे हैं, और बच्चों के लिए अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए ताकि जब वो मटेरियल्स के साथ अच्छे से काम कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट को डिस्कवर कर सकें. कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो है उसको कंड्यूसिव बनाना, दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स कि वो अपने क्लासरूम का एनवायरनमेंट इस तरह से कंड्यूसिव डिज़ाइन करें कि बच्चे उसमें ईजी फील करें और वो अपने जो उनको गाइडेंस दी गई है उसके मुताबिक अपने डिस्कवरी के प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकें. कोई डिस्टर्बेंस ना हो क्लास के अंदर, ऐसी इररिलेवेंट चीज़ें मौजूद ना हो जिससे बच्चा डिस्टर्ब हो रहा हो और उसको इंटरवेंशंस मिल रही हों, तो इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए. टीचर को चाहिए कि वो ऐसा एनवायरनमेंट डिज़ाइन करे जिसमें बच्चे जो है वो बहुत ईजी फील करें और लर्निंग का एनवायरनमेंट हो जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर रहे हों. नेक्स्ट इज़ अलॉटिंग टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू डिस्कवर, बिकॉज जब आप फ्री हैंड बच्चों को देते हैं दे टेक टू मच टाइम, और इस चीज़ को टाइम के जो शॉर्टेज है उसको करने के लिए, कवर करने के लिए टीचर्स को जो भी टास्क उन्होंने डिस्कवरी का दिया है क्लास में उसके लिए प्रॉपर टाइम एलोकेट करना चाहिए. यहाँ पर यह है कि जो टाइम आप एलोकेट करते हैं वो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि उस गिवन टाइम के अंदर वेदर द स्टूडेंट्स आर एबल टू कंप्लीट दैट टास्क और नॉट. ये ना हो कि बच्चे जो हैं वो बहुत स्लो काम कर रहे हैं और आपने बहुत कम टाइम उनको अलॉट कर दिया है और एट द एंड यू फाइंड के बच्चे जो हैं उन्होंने दे हैव डिस्कवर्ड नथिंग और फिर आपको टाइम एक्सटेंड करना पड़े, तो उससे बेहतर है कि पहले ही आप बच्चों को गाइडेंस इतनी अच्छी दें और प्लस टाइम जो है वो अप्रोप्रिएट अलॉट करें, सफिशेंट टाइम जो है वो अलॉट करें ताकि बच्चे उसमें ठीक से डिस्कवर कॉन्सेप्ट को कर सकें. नेक्स्ट इज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू सेट द स्टूडेंट अप टू मेक द डिज़ायर्ड डिस्कवरी. दैट मीन्स के जो एक बिकॉज टीचर नोज़ वेल, इस मेथड में जो है वो टीचर की गाइडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है और टीचर की गाइडेंस इस तरह से होनी चाहिए कि वो प्रोसीजर्स को इस तरीके से सेट करे या करवाए स्टूडेंट्स से कि जो डिज़ायर्ड डिस्कवरी है वो पॉसिबल हो सके, कि उसको अचीव किया जा सके. ये ना हो कि बच्चे जो हैं वो खुद ही उसको किसी और डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं और एट द एंड आपको पता चलता है कि जो आपका डिज़ायर्ड कॉन्सेप्ट था वो बच्चों ने डिस्कवर नहीं किया, उसकी बजाय वो किसी और डायरेक्शन में चले गए हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो किसी एक कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुँच रहे. तो स्टार्ट से ही टीचर को चाहिए कि वो सेट करवाए टीचर्स स्टूडेंट्स को इस तरीके से उनकी एक्टिविटी को कि वो जो डिज़ायर्ड डिस्कवरी है उसको मीट कर सकें. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द टीचर मस्ट प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी बैकग्राउंड नॉलेज टू लीड द स्टूडेंट टू द डिस्कवरी. बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
तो फर्दर जो एक्टिविटीज़ आप क्लास में डिस्कवर करने के लिए करवा रहे हैं, उसके लिए जो रिक्वायर्ड बैकग्राउंड नॉलेज होता है वो रिफ़्रेश करवाएं डिस्कवरी की एक्टिविटी से पहले, ताकि उस जब आप उस नॉलेज को रिफ़्रेश करवाएं तो बच्चे जो हैं वो उसको रिलेट कर सकें कि हमने इस एक्टिविटी के अंदर जो ऑलरेडी हमारे कौन से लर्न्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने अप्लाई करना सीखना है, और ताकि वो इसको न्यू डिस्कवरी जब वो कर लेते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट जो है उसको जब लर्न करते हैं, तो वो उसके उसको अपने बैकग्राउंड नॉलेज के साथ फिट कर सकें और उसके साथ उसको रिलेट करके मेमोराइज़ कर सकें। हेयर आर फ्यू स्टेप्स ऑफ गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। थ्री स्टेप्स हैं इस टीचिंग अप्रोच में, टीचिंग मेथड में। फर्स्ट इज एक्सप्लोरेशन, सेकेंड इज इन्वेंशन, एंड द थर्ड वन इज डिस्कवरी। एक्सप्लोरेशन के फेज में टीचर प्रेजेंट्स डाइवर्जेंट क्वेश्चंस एंड असेस द स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग देम एनवायरनमेंट फॉर डिस्कवरी। तो यहाँ पर बच्चे जो टीचर है वो बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस पोज करता है जो उसकी लर्निंग को प्रोवोक करते हैं, उसकी जो ऑलरेडी लर्निंग हो चुकी है उसको भी प्रोवोक करते हैं, और जो कमिंग अपकमिंग लर्निंग होती है उसको भी जो है उसके लिए अपना ग्राउंड जो है उसको प्रिपेयर करते हैं। और इसमें टीचर को थ्रू क्वेश्चंस इस तरीके से बच्चों को असेस करना चाहिए, और उसका पर्पज़ ये होना चाहिए टीचर का कि वो बच्चों को डिस्कवरी के लिए एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। और इस असेसमेंट के थ्रू, इन डाइवर्जेंट क्वेश्चंस के थ्रू, बच्चे जो हैं वो न्यू टॉपिक अपने न्यू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। सेकेंड स्टेज इज ऑफ इन्वेंशन, एंड इन दिस स्टेज विद द हेल्प ऑफ द टीचर द स्टूडेंट्स फाइंड द मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द आइडियाज़। सो यहाँ पर टीचर जो है वो बच्चों को, क्योंकि ये गाइडेड डिस्कवरी है, तो टीचर की गाइडेंस जो है वो थ्रू आउट थ्री स्टेप्स में बच्चों के साथ साथ रहती है। जैसे एक्सप्लोरेशन के फेज में टीचर का रोल जो है वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन को पोज करना है, और बच्चों का काम जो है वो उन क्वेश्चन के आंसर्स को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और जो इन्वेंशन की स्टेज है, इसमें टीचर का रोल ये है कि वो बच्चों के जो उनकी मीनिंग्स हैं उनको, जो कंस्ट्रक्ट अपने माइंड में मीनिंग्स को कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर को वाजिया करें, उसको एक्सप्लेनेशंस के थ्रू क्लियर करें। थर्ड स्टेप है डिस्कवरी का, और इस स्टेप में द चाइल्ड अप्लाइज व्हाट ही लर्न्ड इन एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेंशन स्टेजेस टू न्यू सिचुएशन। देखें, दो ऊपर के जो स्टेप्स हैं उनमें बच्चों ने न्यू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर लिया विद द हेल्प ऑफ द टीचर, और उसके बाद जो उन्होंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया है उसके मीनिंग्स और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेनेशंस के थ्रू उन्होंने कन्फर्म किया है, और उसके बाद इन दोनों स्टेप्स में जो कुछ उसने लर्न किया होता है उसके लिए थर्ड स्टेप में टीचर उसको एक न्यू सिचुएशन प्रोवाइड करता है, उसके सामने एक न्यू सिचुएशन पोज की जाती है जिसमें जो स्टूडेंट है वो अपनी लर्न मटेरियल को अप्लाई करना सीखता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन द गाइडेड डिस्कवरी मेथड। इन दिस मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन टीचर्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू इंगेज इन स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज दैट फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस मेथड में बेसिकली टीचर का रोल जो है वो बच्चे को अच्छी डिजाइंड एक्टिविटीज़ जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड हों, जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ इंगेज होकर काम कर रहे हों और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को अरेंज करना टीचर का काम होता है। टीचर्स टेक ऑन द रोल ऑफ कोच। तो बेसिकली देखें, कोच का रोल जो है वो आपको रूल्स, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना होता है, बट और खेल को सिखाना होता है। तो उसी तरीके से कोच का जो रोल है यहाँ पर टीचिंग मेथड में, टीचर का रोल एक कोच के तौर पर होने का मतलब ये है कि टीचर ने आपको लर्न नहीं करवाना, आपने चीज़ों को एक्सप्लोर खुद करना है स्टूडेंट्स ने, लेकिन टीचर का रोल ये होता है कि वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी जो गाइडलाइंस होती हैं वो प्रोवाइड कर रहा होता है, डू और डू नॉट्स के बारे में इन्फॉर्म कर रहा होता है
कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, किस तरह से करना है, और उसके बाद जो प्रोसीजर बच्चे स्टार्ट करते हैं तो उसमें टीचर मौजूद रहता है फॉर द गाइडेंस, बट ओनली फॉर द गाइडेंस। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बच्चे के हाथ से चीज़ें लें और उसको खुद करके उसका आंसर लिखवाना शुरू कर दें, तो ऐसा इस टीचिंग मेथड में नहीं होता। कोच का रोल टीचर ने प्ले करना होता है। सो टीचर्स टेक ऑन द रोल ऑफ कोच यूजिंग देयर प्रोफेशनल जजमेंट एंड एक्सपर्टीज टू डिसाइड व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशंस। सो टोटली टीचर के हाथ में है, उसने इस चीज़ को डिसाइड करना है कि कहाँ पर उसने लेक्चर मेथड के थ्रू, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बच्चे को क्लैरिटी की तरफ लेकर जाना है या इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, और कब उसे स्विच ओवर करना है टूवर्ड्स एक्सप्लोरेशंस और एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चे को इन्वॉल्व करना है, और किस तरह से उसने एक्सप्लोरेशंस प्रैक्टिकली करवानी है बच्चों से। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, सब कुछ जो है वो टीचर्स ने खुद मैनेज करना होता है। फॉर इंस्टेंस इफ टीचर्स सी दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद अ सर्टन कॉन्सेप्ट, यानी बच्चे को समझ नहीं आ रही, क्लास में कोई कन्फ्यूजन हो गई है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के टीचर ने ऑलरेडी बच्चे को बहुत अच्छी गाइडेंस भी क्लास को प्रोवाइड कर दी, बट स्टिल जो है वो क्लास स्ट्रगल कर रही है किसी कॉन्सेप्ट को इन्वेंट करने में, देन टीचर्स मे टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन अ लेसन ऑन अ नीड टू नो बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो टीचर अगेन एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के लिए लेसन को प्लान कर सकता है, दोबारा से टीचर किसी नए तरीके से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करे और जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो, तो वो एक नया लेक्चर डिज़ाइन करके उसकी तरफ जा सकता है, और दोबारा फिर जो है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ की तरफ आएगा, डिस्कवरी की एक्टिविटीज़ की तरफ टीचर दोबारा उन बच्चों को लेकर आएगा, ताकि अगर उन्होंने लर्न कर लिया है तो वो उसको नई सिचुएशंस में अप्लाई कर सकें। नाउ हेयर आर सम चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग गाइडेड डिस्कवरी, क्योंकि गाइडेड डिस्कवरी जो है दैट इज़ अ ब्लेंड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड डिस्कवरी, तो डिस्कवरी एक्टिविटीज़ और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का जब ब्लेंड होता है तो उसमें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इम्प्लीमेंटिंग दिस गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच टू लर्निंग इन मैथ कैन बी चैलेंजिंग फॉर एजुकेटर्स एज दिस मेथड रिक्वायर्स स्किल्स दैट मे बी अनफेमिलियर इन ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स क्लासरूम। सो हैव अ विजिट के कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सम ऑफ दीज स्किल्स इंक्लूड द एबिलिटी टू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। तो इस मेथड की चूंकि नेचर ऐसी है कि हर वक्त सिचुएशन अनसर्टेन रहती है, समटाइम्स ये होता है कि टीचर ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड की है बच्चों को, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए कि मे बी बच्चे जो है उन्होंने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो आपने गाइडेंस प्रोवाइड की है उसको प्रॉपरली ग्रेस्प ना किया हो, उसको लर्न ना किया हो कि टीचर ने क्या चीज़ समझाई है, और जब टीचर जंप इन कर जाता है टूवर्ड्स हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ तो वहाँ जाकर टीचर को अंदाज़ा हो सकता है कि बच्चों को लर्निंग नहीं हो रही, तो उस सिचुएशन में टीचर जो है उसको अपने डिसीजंस को अनसर्टन होते हैं, उसकी सिचुएशंस अनसर्टन होती हैं, और अनसर्टन सिचुएशंस के मुताबिक टीचर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर सके, उसको प्रॉपरली कैटर कर सके और उसको दोबारा से ज्वाइन कर सके कि किस तरीके से अब जो है वो बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। नाउ फोस्टर स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग बाय बैलेंसिंग गाइडेंस एंड स्टूडेंट इंडिपेंडेंस। तो स्टूडेंट्स की डिसीजन मेकिंग को फोस्टर करने के लिए टीचर को चाहिए कि वो गाइडेंस और स्टूडेंट की इंडिपेंडेंस दोनों चीज़ों का ख्याल रखे, और इन दोनों के दरमियान में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ना तो टीचर की गाइडेंस जो है वो इतनी ज़्यादा हो जानी चाहिए कि बच्चे जो है उनकी इंडिपेंडेंस ना रहे और वो टीचर के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाएं और टीचर की गाइडेंस पर डिपेंड करना शुरू हो जाएं, और ना ही इतना ज़्यादा स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए कि वो डिस्कवरी की बजाय जो है वो जो आपकी डिज़ायर्ड कॉन्सेप्ट डिस्कवरी है उसकी तरफ जाने की बजाय अपनी ही मर्जी के किसी कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाएं। तो एक बड़ा कीनली टीचर को इस तरफ ख्याल करना पड़ता है, एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है बिटवीन द टीचर्स गाइडेंस एंड स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। तो डिस्कवरी लर्निंग जो है उसमें टीचर को बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए जो कि लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ हों, ताकि बार बार ऐसी सिचुएशंस में स्टूडेंट्स जाएं जिसमें लर्न वो कर सकें। नेक्स्ट इज़ मेंटेन फ्लेक्सिबल थिंकिंग
ठीक है, तो टीचर की जो थिंकिंग है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बार बार आपको स्विच ओवर करना पड़ता है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। कभी आपको प्रीवियस जो आपने स्टेप कर लिया होता है उसकी तरफ दोबारा आना पड़ता है। समटाइम्स ये होता है कि जो न्यू सिचुएशन आपने बच्चों को प्रोवाइड की है फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लर्न कॉन्सेप्ट्स, तो आप ये फील करते हैं कि जब बच्चे उस न्यू सिचुएशन में गए हैं तो या तो वो बहुत ज़्यादा उनको डिफिकल्ट फील हो रही है या बहुत ज़्यादा ईजी फील हो रही है। तो दोनों सिचुएशंस में आपको जो न्यू लर्निंग की एनवायरनमेंट आपने बच्चे को प्रोवाइड की है या न्यू एक्टिविटी प्रोवाइड की है उसको चेंज करना पड़ता है। तो फ्लेक्सिबल थिंकिंग जो है वो टीचर ने अपनी मेंटेन करनी होती है। टॉलरेट पीरियड्स ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग है, प्रैक्टिकली बच्चे काम कर रहे होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो उसमें डिसऑर्गेनाइजेशन बार बार बच्चों की तरफ से हो सकती है, फेस आपको करना पड़े, तो उसके लिए अब वो आपको टॉलरेट करना है और उसको मैनेज भी करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइजेशन अगर गाइडेड डिस्कवरी क्लासरूम के अंदर होगी तो अगेन वो टाइम वेस्टेज होगा, और टाइम वेस्ट को रोकने के लिए आपको उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करवाना पड़ेगा। रिसर्च सजेस्ट दैट देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू अडॉप्टिंग अ गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच टू टीचिंग मैथमेटिक्स इन द क्लासरूम, एंड सम ऑफ दीज बेनिफिट्स इंक्लूड। सो अब हम बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच को अपनी मैथमेटिक्स की क्लासरूम में यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट अ बैलेंस बिटवीन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, तो क्योंकि इससे टीचर्स की एबिलिटी इन्हेंस होती है, स्टूडेंट्स की भी एबिलिटी इन्हेंस होती है कि वो किस तरह से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और इंक्वायरी लर्निंग इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह न्यू कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकते हैं। इट मिनिमाइजेज वर्बल लर्निंग, तो बच्चों की वर्बल लर्निंग के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच है, तो इस वजह से वर्बल लर्निंग जो है उसको ये ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं किया जाता। गिव मोर टाइम टू स्टूडेंट्स टू असिमिलेट इन्फॉर्मेशन, इसमें टीचर्स को पॉजेज लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब वो बच्चे नए इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर करते हैं तो उनको हमें टाइम देना पड़ता है कि वो असिमिलेट कर सकें, प्रॉपरली उसको रिलेट कर सकें अपने प्रीवियस लर्निंग के साथ, और असिमिलेशन जो न्यू लर्निंग की असिमिलेशन है वो प्रॉपर हो जाए, तो स्टूडेंट्स को टाइम देना पड़ता है, और इसकी वजह से बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन की असिमिलेशन है वो काफ़ी अच्छी डिवेलप हो जाती है। लीड्स टू हायर लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव थिंकिंग एंड लर्निंग, तो चूंकि ये इसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं और प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन है लर्न थिंग्स का और न्यू कॉन्सेप्ट्स डिस्कवरी का, तो इससे बच्चे जो हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो उनकी डिवेलप होती हैं, लाइक एप्लीकेशन स्किल्स हैं, इसके अलावा सिंथेसिस, इवेलुएशन, एनालिसिस के स्किल्स जो हैं वो बड़ी अच्छी इसके थ्रू बच्चों की डिवेलप हो रही होती हैं। तो जब बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स अपनी डिवेलप कर रहे होते हैं। गाइडेड डिस्कवरी इनकरेज करती है डेवलपमेंट ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेशन, तो हायर ऑर्डर स्किल्स को भी ये प्रमोट करती है, और बच्चे जो हैं वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली टीचर्स उनके अंदर इनकलकेट कर रहे होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और कोलैबोरेशन को, क्योंकि बच्चे मिलकर काम करते हैं इसमें। डिस्कवरी लर्निंग में बच्चे इंडिविजुअली डिस्कवर नहीं कुछ भी कर पाते, उनके छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिसमें वो डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो कोलैबोरेशन भी इसमें इन्हेंस्ड होता है। कोलैबोरेशन अमंगस्ट स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स टू लर्न विद एंड फ्रॉम ईच अदर, तो चूंकि इसमें स्टूडेंट्स और सॉरी जो टीचर्स का रोल है वो भी एग्जैक्टली इस तरह का नहीं होता कि को बिल्कुल वन साइडेड रोल हो, इसमें टीचर्स जो हैं वो एक कोच का रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो कोच और स्टूडेंट्स के दरमियान में एक अच्छी कोलैबोरेशन डेवलप होती है और एक दूसरे से सीखने का जो है वो तरीका बच्चे सीखते हैं। इसके फर्दर बेनिफिट्स में है इंक्रीज्ड एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड प्रॉब्लम सॉल्व, तो एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग जो है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं बच्चों में। स्टूडेंट्स में वर्क एट देयर ओन पेस एंड डेमोन्स्ट्रेट देयर लर्निंग इन डिफरेंट वेज, क्योंकि इसमें हर बच्चा जो है वो अपनी या जो हर ग्रुप होता है वो अपनी पेस पर डिस्कवरी लर्निंग को लेकर चलता है और टीचर की गाइडेंस के साथ, और जब वो अपने किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं तो उनकी उनको फ्री हैंड दिया जाता है कि वो अपनी जो उन्होंने लर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करें, तो उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन के वेज में भी बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो जिस तरह से चाहें अपनी लर्निंग को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं और इन्जॉय करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन को। अबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट्स एंड अकोमोडेट फॉर स्पेसिफिक नीड्स,
तो ये चूंकि एक फ्री हैंड होता है, इसमें बच्चों को वो खुद से काम कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द टीचर गाइडेंस, और इस वजह से जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट्स होते हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट टीचर कर सकता है। ऐसी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करें जो बच्चों की इंटरेस्ट्स के मुताबिक हों और बच्चे उसको इंजॉय करें, और इस तरह से भी एक्टिविटीज़ को प्लान करना चाहिए कि जिसमें बच्चों की जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको अकोमोडेट किया जा सके। इट मीन्स के आप बच्चों के ग्रुप को, किसी एक ग्रुप को अगर आपने बनाया है क्लास के अंदर, तो उसको कोई ऐसा टास्क नहीं दे सकते जो कि बच्चों की एबिलिटीज से अबव हो। एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनका टास्क होना चाहिए ताकि वो उसको प्रॉपरली डिस्कवर कर सकें। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टीचिंग मेथड। टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज इसमें डिस्कवरी लर्निंग में बच्चों के लिए डिस्कवरी की एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं, जिसमें फिर बच्चे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हम उनको टाइम बाउंड भी नहीं कर सकते। समटाइम्स ये होता है कि आप जिस तरफ डिस्कवरी को लेकर, एक्टिविटी को लेकर जाना चाह रहे होते हैं, बच्चे उस तरफ नहीं जाते और उनकी लर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो आपको दोबारा प्रीवियस स्टेप की तरफ जाना पड़ता है। सो उसमें फिर ये टाइम टेकिंग हो जाता है। डिफ़िकल्टीज़ टू स्लो लर्नर्स। अच्छा, यहाँ पर अब यह है कि जो अगर क्लास में जो बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं वो उसमें प्रॉपरली इस में प्रॉपरली नहीं इनपुट अपना दे सकते, क्योंकि इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, और स्लो लर्नर्स चूँकि उन स्किल्स में वीक होते हैं तो उस वजह से उनको इसमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। टीचर्स आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो कि क्वाइट न्यू है, और इसमें एक कॉम्बिनेशन है टीचर्स का। टीचर का रोल बड़ा इसमें क्रिटिकल है कि उसने कैसे स्विच ओवर करना है दो डिफरेंट अप्रोचेज में, तो इस वजह से टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए डिस्कवरी, गाइडेड डिस्कवरी को क्लासरूम के अंदर यूज़ करने के लिए। अनटिल अनलेस टीचर्स जो हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होंगे तो फिर वो उसको इतना प्रॉपरली उसको नहीं करवा पाएंगे, टीचर स्टूडेंट्स की तरफ से फॉलोअप नहीं करवा पाएंगे, जिसकी वजह से जो डिस्कवरी लर्निंग का पर्पज़ होता है उसको वो मीट नहीं कर पाते। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स डोंट शो अप इन रेगुलर अचीवमेंट टेस्ट्स। तो जो बच्चों ने वहाँ पर जो कुछ डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू सीख रहे होते हैं उसमें बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं, जैसे अभी हमने देखा कि रीजनिंग स्किल्स और थिंकिंग स्किल्स उनकी डेवलप हो रही होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, तो डायरेक्टली इन स्किल्स को अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू जो है उनको असेस करना पॉसिबल नहीं होता। तो एकदम इसके जो बेनिफिट्स स्टूडेंट्स के ऊपर आते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होते, और उनको शॉर्ट टर्म वे में आप असेस नहीं कर पाते, तो इस वजह से आपको फॉरेन टीचर्स को ये असेस करना मुश्किल हो जाता है कि स्टूडेंट्स ने जो कुछ लर्न किया है इस बाय द यूज़ ऑफ दिस मेथड, तो उसको वो अचीवमेंट टेस्ट में शो नहीं कर पाते। यहाँ पर एक जिग्सा मेथड मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। दिस मेथड ऑफ गाइडेड डिस्कवरी वॉज क्रिएटेड बाय चैपमैन इन 2011 एज अ वे और टू फ्लेक्सिबली इम्प्लीमेंट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन मैथमेटिक्स। तो पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स के अंदर चैपमैन ने ये गाइडेड डिस्कवरी के लिए एक मॉडल प्रेजेंट किया था। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ जिग्सा पजल एंड इंक्लूड्स ऑल कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड इंक्वायरी साइकिल बट इज़ नॉट लीनियर एंड कैन बी पुल्ड अपार्ट एंड रीऑर्गेनाइज इन अ वराइटी ऑफ वेज विद मिसिंग पार्ट्स। तो इसमें कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन से कंपोनेंट को कहाँ पर फिक्स करना है। ये टीचर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो जिस तरह से चाहे इसके पार्ट्स को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकता है, जब उसको वो चाहे वो री इन्वेंट कर सकता है। दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी मॉडल इज़ बेनिफिशियल इन मैथमेटिक्स एज इट अलाउज एजुकेटर्स टू बी फ्लेक्सिबल एंड इनकॉर्पोरेट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वेन नेसेसरी। तो टीचर के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा टास्क ये दूंगी कि आप इस जिक्सा मेथड को खुद से सर्च करें, और इसकी एक प्रॉपर डायग्राम आपको नेट पर मिल जाएगी, उसको आप देखें और अपने पास उसको ड्रॉ करें जिक्सा मेथड की डायग्राम को, और फाइंड आउट करें कि उसके कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑथर ने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और एज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स आप उसको कैसे रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। आप इस छोटी सी असाइनमेंट को करके आप मुझे व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, और या जिस तरह से भी ऑनलाइन आप मुझे भेजना चाहें आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।
Now we will briefly take a summary of this presentation. Inquiry in math may look different than inquiry based learning in other subjects. Math के अंदर inquiry different होती है क्योंकि math के particular जो subject होता है उसमें specific questions होते हैं, एक कई questions एक ही pattern के ऊपर काम कर आ रहे होते हैं. तो inquiry जो math के अंदर होती है वो कुछ different होती है. जैसे inquiry अगर आपने science के classroom में करवानी हो तो that will be quite interesting और उसके अंदर practical चीज़ें इस तरह की होंगी जो कि स्टूडेंट्स बड़े इंटरेस्ट लेकर करते हैं. लेकिन मैथ के लिए स्पेशली आपको ऐसी एक्टिविटीज़ फिर डिज़ाइन करनी पड़ती है जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट और उनके एबिलिटी लेवल्स को देखकर हम उनको डिज़ाइन करते हैं. मैथ जनरली रिक्वायर्स मोर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, देयरफॉर अ गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच इज फिटिंग. तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा इसमें मैथ के अंदर इन्वॉल्व होती है क्योंकि जब एक नया कॉन्सेप्ट देना होता है टीचर उसके बेसिक प्रिंसिपल्स रूल्स उनको इंट्रोड्यूस करवाता है और उसके बाद जो बच्चे हैं वो अपनी गाइडेंस टीचर की गाइडेंस के बाद जो है वो कोई नया उस फॉर्मूला का फिटिंग देख सकते हैं कि कौन सा वहाँ पर होगा और किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पॉसिबिलिटीज़ को देखा जा सकता है. तो प्रैक्टिकली हमें मैथ में इस तरीके से ये अप्रोच हेल्प कर सकती है. गाइडेड डिस्कवरी कैन बी यूज टू टीच ऑल स्ट्रैंड्स ऑफ मैथ. यानी मैथ में आपने आपको पता है कि बहुत से डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं, ज्योमेट्री है, अलजबरा है, जो डिफरेंट बेसिक मैथमेटिक्स की स्किल्स होती हैं. तो किसी भी तरह का स्ट्रैंड मैथ का अगर आपने टीच करना है क्लास में तो उसके लिए यू कैन ईजिली यूज गाइडेड डिस्कवरी मैथड. नेक्स्ट इज गाइडेड डिस्कवरी प्रोमोट्स लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग विच लीड्स टू डीपर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग. मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जे के हम ये समझें कि मैथ्स का एक क्वेश्चन टीचर ने सॉल्व करवा लिया और उस पैटर्न पे बाकी सारे क्वेश्चंस बच्चों ने सॉल्व कर लिए हैं तो दैट इज़ इनफ. बेसिकली मैथ जो है वो बहुत डीपर लेवल पर हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा होता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और रीजनिंग स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिश हो रही होती हैं. तो इस वजह से ये जब हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं थ्रू द यूज़ ऑफ गाइडेड डिस्कवरी तो इससे मैथमेटिक्स की बड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं. तो सरफेस लेवल का नॉलेज नहीं होता मैथ्स का जो गेन कर रहे होते हैं इसमें बच्चे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली खुद भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. तो एक्सप्लोरेशन के थ्रू जब वो मैथ्स को सीखते हैं और फिर उसको न्यू सिचुएशंस में किसी भी फाउंड फार्मूला जो होता है उसको अप्लाई करके देखते हैं तो उनकी उसके बाद जो लर्निंग होती है वो लॉन्ग टर्म लर्निंग होती है और वो उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा देर तक और ज़्यादा अच्छा कॉम्प्रीहेंड करते हैं और उसको याद रखते हैं. थैंक यू.